अस्सलाम वालेकुम प्रो पाकिस्तानीज, मेरा नाम है अकरम अली और आप देख रहे हैं प्रो पाकिस्तानी टेक। आज की वीडियो में हम एक लैपटॉप की अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू लेकर आए हैं। लैपटॉप मेरे सामने पड़ा है और कंपनी का नाम है वाइपर एक्सपर्डर C70B। इस मॉडल का नाम है। बेसिकली ये गेमिंग लैपटॉप है जो कि देखने में काफ़ी कूल है और मैं आपको इसकी फर्स्ट लुक अगर दिखाऊँ तो ये है हमारे पास वाइपर एक्सपर्डर। ये दिखने में काफ़ी मज़ेदार है। इसकी अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू अभी थोड़ी देर में करते हैं। 2 लाख के करीब करीब इसकी पाकिस्तान में प्राइस है। इंटेल 9th जनरेशन के साथ आता है और इसके अंदर एनवीडिया जीफोर्स RTX 2070 का कार्ड लगा हुआ है। उसके अलावा ये 15.6 इंचेस फुल HD स्क्रीन के साथ आता है, 512 GB SSD और 16 GB ऑफ रैम के साथ आता है। और भी इसके अंदर काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें हैं, तो हम चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू की तरफ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो प्रो पाकिस्तानीज़, ये है हमारे पास वाइपर का लैपटॉप। बेसिकली इस बॉक्स में आया था, बॉक्स के अंदर से ये लैपटॉप है। मैकेफे एंटीवायरस प्लस का एक कार्ड हमें मिला है और उसके साथ हमें ये एक और बॉक्स देखने को मिला है। पहले ज़रा इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं और फिर हम बाद में बात करेंगे बाकी चीज़ों के बारे में। तो अगर हम इस बॉक्स को ओपन करें तो यहाँ पे हमें चार्जर्स और केबल्स देखने को मिल रही हैं जो कि पैक हैं। ये हमारे पास पावर केबल है जो कि चार्जर के अंदर प्लग इन करके आप इसको फर्दर आगे सॉकेट में डाल सकते हैं। उसके बाद ये है जी हमारे पास चार्जिंग ब्रिक, और इसको हम अगर बाहर निकालें तो ये थोड़ा सा भारी है बट काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हमें देखने को मिल रही है। तो अब ज़रा चलते हैं लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी की तरफ, उसके बाद जो इसके स्पेक्स या इसके अंदर जो चीज़ें उस पर बात करेंगे। बेसिकली ये एक मैट फिनिश में आता है। यहाँ पे एक ये स्टिकर लगा हुआ है स्केलेटन का और एक्सपर्डर की ब्रांडिंग की गई है। साइड्स की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी थिन, गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी थिन और काफ़ी हल्की डिवाइस है, काफ़ी हल्की मशीन है। आप ईजिली इसको एक हाथ से कैरी कर सकते हैं, बिल्कुल किसी तरह कोई मसला नहीं है। प्रीमियम कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे हमारे पास हेडफोन जैक है, माइक है, USB केबल है, यहाँ पे एग्जॉस्ट है हमारे पास, और उसके अलावा बॉटम की अगर हम बात करें तो फिनिशिंग काफ़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की आ रही है। तो लैपटॉप बेसिकली एक अच्छी एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ आता है ताकि गर्म ना हो। तो प्रो पाकिस्तानी, अगर हम इस लैपटॉप की बैक की बात करें तो यहाँ पे फर्दर एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं अलॉन्ग विद ईथरनेट पोर्ट, HDMI एंड कपल ऑफ अदर पोर्ट्स। तो ओवरऑल इसका वेट बहुत ही ज़बरदस्त है और देखने में ये डिवाइस काफ़ी प्रीमियम नज़र आती है। ओपन करते हैं इसको और फर्दर बात करते हैं इसकी जो स्क्रीन है या इसके अंदर जो हमारे पास स्पेसिफिकेशंस हैं उसकी। तो ओपन करते साथ ही जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो है इसका ग्लास ट्रैक पैड। ये ग्लास क्लिक पैड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट प्रिसिशन ड्राइवर्स की सपोर्ट के साथ आता है। कीबोर्ड काफ़ी मज़े का है, मैकेनिकल टाइप की फील तो आपको देता है और जो डिस्टेंस है वो भी काफ़ी रीज़नेबल है। और मज़े की बात यह है कि ये मुख्तलिफ लाइट्स RGB लाइट्स के साथ आता है। अब मैं देखूंगा कि हम इस कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकते हैं या नहीं। अगर हम इसकी स्क्रीन की बात करें तो 15.6 फुल HD की स्क्रीन हमें देखने को मिलती है, 15.6 इंचेस है। साइड्स के बेजल्स काफ़ी कम हैं, टॉप पे हमें एक कैमरा देखने को मिलता है। और अगर बात करें रिफ़्रेश रेट की तो हमें 144 हर्ट्ज़ का रिफ़्रेश रेट देखने को मिलता है। 100% sRGB है, 4.9 mm के बेजल्स हैं, 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशो हमें देखने को मिलती है। इंटरनल्स की अगर हम बात करें तो 16 GB की रैम और 512 GB की SSD ड्राइव हमें देखने को मिलती है। तो प्रो पाकिस्तानीज, अगर हम एक्सपर्डर के इंटरनल्स की या परफॉर्मेंस की बात करें तो हमें इंटेल कोर i7 9th जनरेशन CPU देखने को मिलता है अलॉन्ग विद एनवीडिया जीफोर्स RTX 2070 जो कि है 8 GB GDDR6 की रैम के साथ। तो इंटरनल्स इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, वेट इसका काफ़ी कम है, स्क्रीन मज़ेदार है, बेजल लेस है। और उसके अलावा RGB लाइट्स का अगर मैं आपको बताऊं तो पर की RGB लाइट्स कन्फिगरेबल है इसके अंदर
और ग्लास ट्रैक पैड है। तो ओवरऑल ये एक मज़ेदार किस्म की डिवाइस है। सबसे मज़ेदार और कंपेलिंग चीज़ जो मुझे इसकी लगी है वो ये इसकी RGB लाइटिंग है जो यहाँ पे बॉटम पे हमें देखने को मिल रही है। ये काफ़ी मज़ेदार है। ओवरऑल इस लैपटॉप की फील काफ़ी प्रीमियम है। आज की वीडियो सिर्फ अनबॉक्सिंग की, डिटेल्ड रिव्यू के लिए इंतज़ार कीजिए। प्रो पाकिस्तानी को देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।